हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस गाइस। तो आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके लिए हर वक्त क्या सोचते हैं, अक्सर क्या सोचते हैं वो आपके लिए, एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन फाइनल डिसीजन क्या होगा। आज का जो स्केच है गाइस, आज मैंने खास स्केच ड्रॉ किया है, उसका इम्पोर्टेंस मैं पहले बता देती हूँ, आप स्किप कर सकते हैं नो डाउट। यहाँ पे जो स्पिनिक्स है राइट, इसको बोलते हैं स्पिंक्स। सो कहीं ना कहीं पे ये इजिप्ट के साथ रिलेटेड है। आप बोलोगे ये किस तरह से, पहले जमाने में जब बहुत ही हजारों साल पहले ऐसा माना जाता है कि इजिप्शियंस इनको मानते थे द सन गॉड। तो इनके हाफ जो शरीर है वो है लायन का और हाफ जो है वो है, जो हेड पोर्शन है वो है एक इंसान का और जो बॉडी पोर्शन है वो है एक लायन का। तो स्ट्रेंथ की प्रतीक होती है, रॉयल्टी की प्रतीक होती है, इंटेलिजेंस की प्रतीक होती है और काफ़ी प्रोटेक्शन देते थे। मतलब वो ना ऐसे बिलीव करते थे वो कि यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसके अंदर जो आत्मा था, ठीक है, अभी तो आपको स्टोन ही दिखाई देगा इजिप्ट में, लेकिन जो आत्मा था वो जो मतलब पासर बाई, मतलब जो ट्रैवलर्स थे, जब वो कैसल में मतलब जो महल में प्रवेश करते थे उनको कुछ इस तरह से पजल पूछते थे, ठीक है, और उनका जवाब अगर नहीं दे पाते थे तो उनको मार डालते थे और अगर जवाब दे पाते थे तो उन्हीं को ही सिर्फ एंट्री मिलता था बाहर तक जाने का, ठीक है, मतलब अंदर तक जाने का या बाहर आने का। मतलब इट वॉज अ साइन ऑफ प्रोटेक्शन एंड यू कैन से लाइक बॉडी गार्ड एंड सिक्योरिटी फोर्स, इट वॉज लाइक दैट। बट उसमें कहीं ना कहीं पे आवाज आती थी, अभी तो नहीं आता है। ओके, सो आई हैव क्वाइट रिसर्च अबाउट दिस एंड आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। सो स्पिंक्स का इम्पोर्टेंस यही है, मैं बार बार इसको स्पिंक्स बोल जाती हूँ, आई एम सॉरी, इट्स स्पिंक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही एक स्कल्चर है अभी इजिप्ट में, लेकिन लोग विश्वास करते थे हजारों साल पहले, इसमें तो जान था और पूजा करते थे, ठीक है, बिकॉज स्फिंक्स इज नोन एज सन गॉड, जिनको बोला जाता है रा, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं एंड डेफिनेटली उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, दूसरा चैनल है जो उसको सब्सक्राइब करें और YouTube जो स्टोरीज है उसको फॉलो करें फॉर द एंजल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स हैं, लॉर्ड स्विंग्स प्लीज बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए अक्सर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड उनका अगला निश्चित फैसला क्या होगा, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। इस तरह से आपको नहीं लग रहा है, एक रिवॉल्वर का शेप आ रहा है, प्रोटेक्शन का सिंबल है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है, थीके? इस तरह से पॉजिटिव फील करते हैं कि चाहे आप उनके साथ कांटेक्ट में हो या ना हो, इसका कोई मैटर नहीं है, बट ये इंसान बिल्कुल दिल से नहीं चाहते कि आप किसी के हो जाओ। दे डोंट वांट एक्चुअली, दे बेसिकली डोंट वांट दैट। कहीं ना कहीं पे ये किसी को भी मतलब घूसा मार देंगे अगर कोई आपके सामने आ जाए तो, और आपसे मतलब उनसे आपको छीनने की कोशिश करे तो। दे आर वेरी मच अल्ट्रा पॉजिटिव ऑफ यू, इट इज शोइंग लाइक दैट। सो दे कैन किक एनीवन, दे कैन पुश एनीवन फ्रॉम योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में, इवन अगर आप शादीशुदा हो तभी भी आपके ये हस्बैंड या वाइफ से आपको सेपरेट करने में तुले हुए रहेंगे। इनकी मैंटेलिटी इस तरह से मुझे दिख रहा है, काफ़ी ये इंसान स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से। इनकी ज़िंदगी में ना बहुत लोग आए हैं और गए हैं, जस्ट लाइक फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टीज होते हैं उसके बाद तुरंत फ्रेशर्स पार्टीज होते हैं, राइट। फेयरवेल पार्टीज एंड फ्रेशर पार्टीज आर लाइक रिलेटेड। फेयरवेल पार्टी में क्या होता है, लोगों का विदाई होता है ऑफिस से,
ठीक है, और फ्रेशर्स पार्टी में लोग आते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं कंपनी में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो इनकी ज़िंदगी में बहुत लोग उन्होंने देखा है आते और जाते हुए, लेकिन आपके जैसा खास उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। सो डू फाइंड कि इनके जो जोडियक साइंस हो सकते हैं, आई डू फील लाइक दिस कैन बी अ रियल स्कॉर्पियो और दे कैन हैव स्ट्रांग मसल्स, उनके स्ट्रांग मसल्स हो सकते हैं। देखो इन इंसान के नाक देखो, आँख देखो, काफ़ी बड़े बड़े आँखें हो सकते हैं, ठीक है, थिक आईब्रोज, मतलब उनके फेस का जो है ना स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा, एट्रैक्टिव होगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ओके आई डू फाइंड कि जिस तरह से ये ऐसा मानते हैं कि आपका एंट्री इनके ज़िंदगी में ऐसा आना, जब जब क्या होता है ना, जब सर्दी के समय पर सारे पत्ते मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं, मैक्सिमम एवरग्रीन ट्रीज़ को छोड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वेट किया जाता है कि नेक्स्ट सीजन कब आएगा और पत्ते फिर से भर जाएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग द यू कैन से दैट मानसून सीजन, बारिश के समय पे। तो मुझे लग रहा है ये इंसान उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपके साथ उनका जो लाइफ है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ अभी जो है वो आधा अधूरा है जिंदगी, ठीक है। ये इंसान मुझे लग रहा है अपने सोच को लेके ये ओवर थिंक कर रहा है, कैन यू सी दिस, दे आर ओवर थिंकिंग राइट नाउ, अननेसेसरी टेंशन ले रहे हैं आपको लेकर। उनको पता नहीं, वो पता है वो ड्रीम्स में या फैंटेसाइज इस तरह से करते हैं कि आपके साथ किसी का अभी नाजायज रिश्ता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, और वो उसको सोचते सोचते ना उनके उनके आसपास का कुछ ऐसी चीज़ें हो उसको फेंक देते हैं, शीशे को तोड़ देते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कैनॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। देखते हैं ये क्यों एक्शन नहीं लेते हैं, ये एक्शन ले सकते हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, उस तरह से हम देखते हैं। व्हाई दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एक्शन, यूनिवर्स प्लीज बताइए। और ये एक्शन लेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे तो कब तक लेंगे, क्यों नहीं ले रहे हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। कोई यहाँ पे शिवलिंग जी की पूजा करते हैं या आपके मजहब के अनुसार, मतलब जो भी आपके और खानदान रीति रिवाज में से जो भी देव देवी का पूजा सबसे ज़्यादा किया जाता है, आप उसका प्रेयर करते हो सुबह सुबह, शिवलिंग की पूजा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप देखो यहाँ पे शिवलिंग की पूजा होते हुए दिख रही है मुझे, सफ़ेद फूल आप देते हो, दूध चढ़ाते हो, पानी चढ़ाते हो, सुबह सुबह वो करते हो, भूलते नहीं आप, बिकॉज ये पर्सन भी हो सकता है ये करते हैं, नियर बाई टेम्पल, चर्च, कहीं पे भी हो, मस्जिद हो, ये ऑफर करते हैं फ्लावर्स, वहाँ पे जाके चादर चढ़ाते होंगे, या दे गो एंड वॉच ओके सच सेरेमनीज, अगर कुछ अनुष्ठान हो रहे हैं तो वहाँ पे जाके वो देखते रहते हैं और मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आपकी स्पिरिचुअल साइड और उनकी स्पिरिचुअल साइड में आपके पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया, उनका नज़रिया फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप दोनों को मुझे लग रहा है कि वही तार ना, जिस तरह से एक इंटरनेट कनेक्शन का पोल दूसरा इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, इंटरनेट इटसेल्फ मींस द नेट विच इज़ कनेक्टेड, तो आप लोग उस तार से जुड़े हुए हो। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मे बी दिस इज लाइक द डिवाइन थिंग्स कि आप लोग को और सीख इस रिलेशनशिप में मिलने चाहिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस तरह से पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है ना, जिस तरह से बहुत भारी पत्थर अगर पृथ्वी के अंदर गिरा तो बहुत सारे जगह पे वो नष्ट या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो इनके जो भारी या गर्म मिजाज है
मुझे लग रहा है ये आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक है उलझ मतलब और भी ना सुलझने की जगह और उलझ सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन नीड्स टू कंट्रोल दैट टेम्पर. फर्स्ट ऑफ ऑल ईगो तो है बहुत ज़्यादा ठीक है. और ये इंसान जब भी सोशल मीडिया पे ठीक है आपका पिक्चर्स देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा जेलसी बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा इस तरह का. अगर स्पेशली कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद है कि आप फोटो क्लिक करके पोस्ट करें. मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ क्योंकि आपको लोग देखेंगे ये उनको बर्दाश्त नहीं होता है. दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ विथ यू एंड दे वॉन्ट चांसेस. सेकेंड चांस चाहते हैं वो. यहाँ पे एक हैंग्ड मैन की मुझे यहाँ पे तस्वीर आते हुए दिखाई दे रही है. हैंग्ड मैन ऑलवेज मीन्स कि ऐसा नहीं है. पहले ज़माने में तो हैंग्ड मैन एज अ सुसाइड या कहीं ना कहीं पे उसको मारने का एक तरीका था पनिशमेंट देने का. बट यहाँ पे टैरो पे हैंग्ड मैन इज ऑल्सो काइंड ऑफ चेंजिंग द पर्सपेक्टिव. वो अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर स्टिल ओके डूइंग इट बट उनका गुस्सा कहीं भी हद तक कम नहीं हुआ है पहले से. बात बात पे चिढ़ जाना अगर आप कुछ कहते हो तो भी नहीं कहते हो तो भी. ब्लैक कलर का सनग्लासेस ऑफन दे पुट अप ओके बिकॉज दैट्स अ फेवरेट कलर. ब्लैक लाइट ब्लू दैट इज अ फेवरेट कलर और ग्रीन. यहाँ पे मुझे देखो यहाँ पे ऑलरेडी 20 10+10 20 12 सो जजमेंट ठीक है. ऑफ कोर्स यहाँ पे देर से ही सही आपको डेफिनेटली यहाँ पे न्याय मिलेगा. जस्टिस इज डिलेड बट इट्स नॉट डिनाइड. आप मुझे लग रहा है इस बार अगर अगर आप मैरिड हो इस इंसान से इस बार करवा चौथ आपने इनकी फ़ोटो देख के थोड़ा या वीडियो कॉल करके अगर उनको वीडियो कॉल शायद आपको नहीं मिला तो उनकी फ़ोटो देख के आपने किया. शायद आप मैरिड हो या अनमैरिड हो नहीं पता मुझे लेकिन आपने किया वैसे. और आप इनको बताए लेकिन वो उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए और ये आप भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया. लेकिन मन ही मन में ये जानते हैं कि आप उनको बहुत ढेर सारा प्यार करते हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा क्यों फीलिंग हो रहा है मुझे कि आपकी शादी किसी से हुई है बट आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो और इनसे मिलने के लिए आप बेताब होते हो. ऐसा है H लेटर V T N H K L O P A लॉट्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज देयर. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है. 11-11 वाइव्स आर देयर. देखते हैं उनका फाइनल क्या है. व्हाट डू दे वांट टू डू बेसिकली. बार बार पता नहीं मेरे रीडिंग पे जब भी मैं बताती हूँ कि व्हाट डू दे वांट टू डू आदर तो एक रिंग क्रिएट होगा या तो ये वेलकम क्रिएट होगा. सो ये इंसान बेसिकली क्या करना क्या चाहते हैं. What do they want to do basically? Okay. So काफ़ी इमोशनल स्टेट में है मैं देख पा रही हूँ ना. क्योंकि यहाँ पे देखो ड्रॉपिंग्स जो आ रही है ना जल्द से जल्द वो सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है. सो उनके इमोशंस जो है वो बहते जा रहे हैं. अभी अब वो लोग आंखों से आंसू निकल रहे हैं या गुस्सा आ रहा है ओवर टेंशन ले रहे हैं इरिटेशन हो रहा है या बहुत जोरों से चिल्ला सकते हैं. आप जब फोन करोगे या उनकी देखो बहुत धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है इंसान ठीक है. ये देखो इनकी जो गुस्सा है ठीक है इनकी जो गुस्सा है वो नाक पे चढ़ा हुआ है. यहाँ पे मुझे एक सन की एनर्जी दिखाई दे रहा है. जिस तरह से रेज शाइन होता है उसी तरह से. सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ठीक है आपके और कदम तो बढ़ा रहे हैं. What's a tree? The branch. यहाँ पे देखो एक फेदर आया है. V
वन सो देखो यहाँ पे फिर से मुझे यूट्रस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका बच्चा होगा इन फ्यूचर. ओके सो मे बी देयर कैन बी सम फर्टिलिटी इश्यूज जिसके वजह से आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए. अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या आप बच्चा लेना नहीं चाहते वो बच्चा लेना चाहते, इस तरह से कुछ मतभेद हुआ है. या आपके पर्सन को जब आप बोले शादी बच्चे के बारे में तो वो थोड़ा सा पीछे आ गए और इस बात को लेके इशू क्रिएट हुआ. उन्होंने आपको बताया कि इतना तक आप क्यों सोच रहे हो, पता नहीं हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स जैसे मेरी ज़िंदगी में आए और गए हैं लेकिन कोई भी स्टेबल नहीं हुआ है, इस तरह का भी बात करते हैं. दोगलापन बहुत ज़्यादा है इस इंसान का. तो लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो कैन बी इम्पोर्टेंट साइंस. ठीक है, देखते हैं अगला कदम क्या होगा. कोई फुट स्टेप आता है तो मैं कंफर्म करती हूँ. यहाँ पे तो फुट स्टेप्स दिखाई दे रहा है. इफ़ यू कैन नॉट सी आई विल शो यू. यहाँ पे तो दो कदम आपके तरफ दिखाई दे रहा है चलते हुए. ओके स्पेस बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स. ओके जिद्दी किस्म के इंसान है. यहाँ पे एक टॉरस फॉर्म हो रहा है, मतलब देखो वृषभ राशि जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. Let me inverse and I can understand. Okay. Why there is a snake over here? I don't know. Okay. So, ये यहाँ पे तीन है, right? So, आप दोनों के बीच में कोई है. I am 100% sure. Now, ये जो बीच वाले इंसान है, ये अच्छे भी हो सकता है दोनों के लिए, बुरे भी हो सकते हैं. But someone is in between. Maybe आपके पर्सन इनको कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में और आप भी इनको बोल रहे हैं. दोनों का सेम फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं. ठीक है, सो नाउ ये डिपेंड करता है. यहाँ देखो मून की साइन यहाँ पे आया. सो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पे इस इंसान के ऊपर निर्भर है. मे बी उनके पापा आपके पापा, उनके दादाजी आपके दादाजी. तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस तरह से आ रहा है. मे बी जात पात का प्रॉब्लम है, धर्म का प्रॉब्लम है, इसलिए वो लोग नहीं मान रहे कि आपके साथ उनका एडजस्टमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. इवन वो भी खुद श्योर नहीं है, आप भी चाहते हो कि आगे बढ़े, बट ये जब तक इस इंसान से अप्रूवल नहीं लेते हैं तब तक वो आपको नहीं कहेंगे. मुझे लग रहा है ये इंसान इनकी ज़्यादा करीब है. ठीक है, और आप यहाँ पे हो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप लोग रिलेटिव्स के अंदर ही शादी हो रही है, इस तरह से लग रहा है मुझे. सो देर इज़ अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस. मे बी ये अच्छे हैं, मे बी ये बुरे हैं, मे बी आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, वट एवर बेट इज, बट आई फाइंड द फुट स्टेप्स टूवर्ड्स यू. एटलीस्ट जो मुझे यहाँ पे गेट दिखा तो एक वेलकम गेट दिखा उनके तरफ से, वो 50% रियलिटी है और बाकी डिपेंड करता है थर्ड पार्टी क्या हो रहा है. ठीक है, उसका स्टेटस के ऊपर. नाउ दिस अगेन फीलिंग्स विल चेंज ओवर टाइम और फिर बदल जाएगा. फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. सो लेट मी सी द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू. सो व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू फॉर माय व्यूअर्स. यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है. यस 11 मैंने आपको बताया था 11 आप देख रहे थे वहाँ पे, वो 11 भी है वहाँ पे आया. ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है फॉर मोस्ट ऑफ यू. स्टार है, डेस्टिनी है, संगीत आप दोनों को जोड़ सकता है फिर से. एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि सिंस दिस इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इवन उनको भी. आपको अपने अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको
पॉजिटिव होना है और आपको बैलेंस करना है। आप ऐसे बैलेंस कर रहे हो कि आप गिर जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप बैलेंस करने की कोशिश करो और वो अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जब तक दोनों बैलेंस नहीं होते तब तक रिलेशनशिप में इस तरह से ऑन एंड ऑफ, चेज, मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रजेस, ये सब कुछ चीज़ चलता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज अ 6-9। ओके, सो यू हैव टू कनेक्ट विद द म्यूजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूजिक कैन हील एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे म्यूजिक आपको हील कर सकता है। यहाँ पे देखो, डिफिकल्ट डेज आपके जिंदगी में से खत्म होगा बिकॉज द रेनबो इज देयर। और आप अभी भी उस इंसान के बारे में अभी लगातार सोच रहे हो, सोचने से कोई फायदा नहीं। आप अपने ऊपर इम्प्रूव करने की कोशिश करें और उस इंसान को अगर मैसेज दे सकते हैं आप, उनको बोलिए उनकी जिंदगी में कोई टेंशन लेने की उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने काम पे फोकस करे और आप भी उनको अपने काम पे फोकस करने दें। एंड दिस इज श्योरली अबाउट टू मीट बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस होना है गाइज, अंडरस्टूड? देन यू विल बिकम अ होल पर्सन। यहाँ पे हाफ बैलेंस्ड है, आप खुद ही सोचना ना, यहाँ पे अगर हाफ पिक्चर है तो आधा कहाँ गया? तो दो मिलके ही तो गोल हो रहा है ना, अगर ये नहीं है तो कैसे होगा फिर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस, एंड ट्राई टू बैलेंस योर पोजिशन। थैंक यू गाइज।